आंटी तुमने मुझे आंटी कहा? हाँ कहा और आइंदा भी कहूंगा। आप सबने, खास तौर पे आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अपनी जिंदगी बचाने के लिए पूरा बचपन खा गई आप मेरा। दूर हो जाए, दूर चली जाए। आइंदा मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है आपको। सलमान, आपको आपकी बेटी मिल गई है ना, ये इमोशन उसके लिए बचा के रखें। देखा मैरी, कैसे मैंने सारा खेल भी खेल लिया और जीत भी गई। क्या जीती हैं? तुमसे अपना बेटा मैंने कैसे वापस ले लिया, वो भी फुल प्रॉफिट के साथ। मेरा बेटा सलमान इस सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस का अकेला वारिस। तो आप अपने मुंह से मान रही हैं कि ये घटिया हरकत आपने की? इसका जवाब तो तुम्हें तब मिलेगा जब सलमान मेरे साथ रह जाएगा और तुम बिल्कुल अकेली। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इतना बेरहमी से प्लान भी कर सकता है। प्लीज अपनी ये डायलॉग्स ना अपने पास ही रखो। वैसे सच बताओ, मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है। मेरीन, तुम तो कितनी बेबस हो गई हो। नहीं हूं मैं आपका बेटा और ना ही आप मेरी मां है। आइंदा के बाद मुझे अपना बेटा मत कहिएगा।
अम्मी अम्मी क्या हुआ है? कुछ कहा है किसी ने? बोले ना सलमान। सलमान मुझसे नफरत करने लगे, मोहब्बत ना करे। कोई बात नहीं सलमान, लेकिन नफरत भी तो नहीं करूं मुझसे। मैंने कई बरसों से अपनी गोद से उतरने नहीं दिया, और आज जब मैं हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहती हूं तो वो मेरा हाथ झटक देता है। तो आप उससे मोहब्बत की तवक्का कर ही क्यों रही हैं? मैं तवक्का नहीं कर रही, मैं तो भीख मांग रही हूँ। बस कर दे अम्मी, बस कर दे। यकीनन ये सब कुछ तो आप मुझे बहुत कम बता रही हैं। सलमान को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जब वो बदतमीजी पर आता है तो बदलिहास भी हो जाता है। अभी देखती हूँ मैं इसे। नहीं रुक, नहीं, तुम सलमान को कुछ नहीं कहोगी। भला मोहब्बत मांगने से कब मिलती है? अगर वो आपकी कदर नहीं कर रहा, मैं तो हूं ना आपकी बेटी। क्या अपनी बेटी से आपकी ममता की तस्कीन पूरी नहीं होगी?